अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं किंग न्यूज HD और मैं हूं सलमान चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कंटोनमेंट बोर्ड उखाड़ा कैंट की शानदार कारकर्दगी, एक ही रोज में 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और 1 डिस्पेंसरी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। गैम्बर कैंट की आवाम से किए गए वादे पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए उखाड़ा कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ मकामात पर 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 1 डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी प्रेजिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड स्टेशन कमांडर फारूक सलाहुद्दीन, वाइस प्रेजिडेंट नदीम अनवर भट्टी थे। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारगर्दगी का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट से दौरे करें और अपनी इंस्पेक्शन को बढ़ाएं, आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में कोई कसर उठाई ना रखी जाए। उन्होंने कहा कि शेख उर्दनोश की क्वालिटी और सरकारी निरखनामा से तजावज़ करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी की गिरफ्तारी के खिलाफ तालका 7 के सदर मोहम्मद यूसुफ कोसू की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और PDM की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि सिंध के सदर अली जैदी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। एहतजाजी मुजाहरा करने वालों में तालका सदर मोहम्मद यूसुफ खोसू, जनरल सेक्रेटरी खुदा बख्श बलोच और दीगर सीनियर क़यादत भी मौजूद थी। खैबर में तूर खम सरहदी गुजरगाह के करीब एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से मुतअद्दिद कंटेनर्स और मालबरदार गाड़ियां मलबे तले दब गईं। इस दौरान कार्गो गाड़ियों में भी आग भड़क उठी। पुलिस के मुताबिक तूर खम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा अचानक गिर गया जिसके बायस एक्सपोर्ट रोड पर मौजूद 1 दर्जन से ज़ायद मालबरदार गाड़ियाँ मलबे तले दब गईं। इस दौरान मालबरदार गाड़ियों में अचानक आग भी भड़क उठी और उस वक्त 1 दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ आग की लपेट में आ गईं। राजनपुर में इंटेलिजेंस इतला पर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जमान CTD के मुताबिक टीम छापा मारने पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दोनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के तर्जमान का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद असलहा डेटोनेटर बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द खुफिया इदारे पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए किंग न्यूज़ HD।